शाहनवाज सिक्योर प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको फिजाइया फेज टू का विजिट करवाऊंगा, उसमें मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगा और साथ साथ आपको गाइड भी करूंगा कि आज जो है इन यहाँ पे प्लॉट की प्राइस क्या है, कितने मरले के प्लॉट हैं और वहाँ पर डिवेलपमेंट की क्या प्रोग्रेस है। बेसिकली वहाँ पर पोजेशन मिल चुका है, फर्स्ट फेब से पोजेशन वहाँ पर मिल चुका है, वो भी मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि आप वहाँ पे कितनी देर में घर बना सकते हैं, बिजली पानी और गैस की क्या सहूलत आल है। फिर मैं आपको उसकी लोकेशन के बारे में भी बताऊंगा। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। वहाँ पर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू में कितना काम हो चुका है। फ़ज़ाइया फ़ेज़ वन की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं मेरी वीडियोस पे कि फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू की वीडियो बनाए। आज मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलें वहाँ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये इस वक्त हम फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू के गेट पर खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू का विज़िट करेंगे। फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू इसमें 5-7 10 मरले और 1 मरले के प्लॉट्स हैं जिनका मैं आपको आज विज़िट भी करवाऊंगा। इस वक्त मैं ये जाती उमरा रोड पर खड़ा हूँ। ये वाला हिस्सा जो है अड्डा प्लॉट रायवंड रोड की तरफ जाता है, तो ये काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया है और ये वाला सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया सुंदर चौक की तरफ जाता है। यहाँ से हम मुल्तान रोड की तरफ भी जा सकते हैं, रायवंड रोड की तरफ भी जा सकते हैं, रायवंड सिटी की तरफ, ये दोनों तरफ से हम जा सकते हैं। तो ये शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ से भी आता है रास्ता। तो आज हम फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू का विज़िट करने जा रहे हैं। इसमें क्लाइंट्स जो मेंबरान हैं यहाँ पे या जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है कि यहाँ पे पोजेशन मिल चुका है, तो लोग अब जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, इंतज़ामिया ने, फ़ज़ाइया फ़ेज़ टू की इंतज़ामिया ने पोजेशन जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आज मैं आपको इसका गेट नंबर टू भी दिखाऊंगा। ये गेट नंबर वन है जो जाती उमरा रोड के ऊपर है, ये काफ़ी बड़ी रोड है, इधर से ट्रैफिक आती जाती है और सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भी जाएंगे हम, वहाँ पे भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। चले आए, बाकी मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा साथ साथ, मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ, इसकी प्राइजेस के बारे में भी बताता हूँ आपको और आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ सारी। मैं अंदर आ गया हूँ गेट के, तो मैंने पहले बाहर खड़े होकर आपको गाइड किया कि ये रोड्स जो है ये कहाँ पे कहाँ से आ रही है, कहाँ की तरफ जा रही है। ये शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स से सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से हम आते जाते हैं, तो यहाँ से आप मुल्तान रोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये मैं एंटर होके जो जाती उमरा वाली साइड से गेट है उधर खड़ा हूँ, आगे फिर मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है और यहाँ पे एक चीज़ मैं बात बता दूँ आपको कि बिजली अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, वापडा की बिजली है, लेकिन इसमें ग्रिड स्टेशन भी बन रहा है जो फ्यूचर में जाके यहाँ पे आपको जो लोड शेडिंग है वो कम हो जाएगी। अभी वापडा की बिजली है, बिजली यहाँ पे शुरू हो गई है क्योंकि फर्स्ट फेब से यहाँ पे पोजेशन मिलना शुरू हो गया है, तो लिहाजा ये एक छोटी सी शुरू में पार्क है। यहाँ पे अभी गैस की भी डिगिंग हो गई है लेकिन अभी गैस मौजूद नहीं है, जैसे जैसे घर बनेंगे यहाँ पे तो गैस भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी यहाँ पे बिजली और पानी मौजूद है, वापडा की बिजली है यहाँ पे, और फिर मैं आगे लेके चल, ये सोसाइटी का ऑफिस है जहाँ पे यहाँ पे आप ट्रांसफ़र वगैरह या जो भी है इनके मामला होते हैं वो सारे तय होते हैं यहाँ पर। ये सोसाइटी का ऑफिस है जो जाती उमरा गेट की तरफ है। फिर हम आगे चलते हैं और आगे मैं मज़ीद आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ। अब मैं गाड़ी में बैठ के आपको विज़िट करवाता हूँ साथ। ये कमर्शियल ब्लॉक ए का कमर्शियल एरिया है इस साइड पे। ये हम आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे मैं आपको विज़िट करवाता जाऊँगा। ये सोसाइटी का ऑफिस है जो गुजर रहा है इस वक्त। ये सबसे अच्छी बात ये है कि रोड्स बड़े अच्छे डेवलप किए हुए हैं यहाँ पर और 5-7 10 और 1 नाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। ये बी ब्लॉक है यहाँ पर, ये कमर्शियल एरिया है थोड़ा सा बी ब्लॉक का,
तो उस वहाँ से गुजर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको अभी मैं एक चीज़ बता दूँ कि कोई घर नहीं बना हुआ और ना ही यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी है। अगर आपने यहाँ पे घर बनाते हैं तो अगर आपको कमर्शियल क्योंकि चीज़ ख़रीदनी है तो आपको जाती उमरा वाली रोड पे शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा या सुंदर अड्डा है वहाँ पे जाना पड़ेगा सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। यहाँ दो तीन चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं जब आप घर बनाते हैं यहाँ पे। तो सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे आप घर बना के रेंट पे दे सकते हैं। तो ये आपको एज है यहाँ पे, बाकी कोई ख़ास स्पेशल एज नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मस्जिद वगैरह बन रही है, ग्रिड स्टेशन बन रहा है ये, फिर अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है, ओवरग्राउंड है यहाँ पे। तो ये मेरी राइट साइड पे ये वाला एरिया जो है ये ए ब्लॉक है, ये पीछे ठीक है, ये हम ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के दरमियान में से गुजर रहे हैं। पानी की टैंकी वगैरह बन चुकी है, सारा एरिया काफ़ी डेवलप है। बस अभी यहाँ पे कोई घर नहीं बना हुआ, बाकी तकरीबन गैस पानी गैस की डिकिंग हो चुकी है सॉरी, और पानी और बिजली अवेलेबल है। काफ़ी एरिया यहाँ पे पार्क्स के लिए मखसूस किया गया है। ये देखें ये भी पार्क आ गई है, पीछे भी दो पार्क्स गुजर के गई हैं। तो फिर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपको हाई टेंशन वायर्स नज़र आ रही हैं ये वाला एरिया सीधा जो है अल कबीर टाउन के अंदर से भी गुजरेगा। ये बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग गवर्नमेंट का एक प्लान है, जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान कह लें इसको, कि आगे जाके इसको फ्यूचर डेवलपमेंट के तौर पर ये ड्राइव इन रोड को भी टच करेगी। ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिए से होती हुई सीधी उस अल कबीर टाउन से लेक सिटी से होती हुई रिंग रोड पर चढ़ेगी। ये इस वक्त हम राउंड बोर्ड पे आ गए हैं। ये रोड्स इतनी इसकी मेन बुलेवार्ड कोई ख़ास इतनी बड़ी नहीं है, ये वाली हाई टेंशन वायर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो रोड इतनी खुली नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी रोड्स डेवलप की हुई हैं और इनके प्लॉट्स भी कुछ ख़ास गहरे नहीं हैं। ये मैं आज आपको फरवरी की 10 तारीख है जो मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ आज। तो यहाँ थोड़ा सा खड़ा होके मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, जहाँ पे तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो चुका है, पानी की टंकी बन चुकी है, ये मस्जिद के लिए जगह मखसूस की हुई है, तो फ्यूचर में यहाँ पे मस्जिद भी बनेगी। ये देखें ये सारा जो बिजली का काम है वो ओवरग्राउंड है, अंडरग्राउंड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 5, 7, 10 एक कनाल की बुकिंग है, 5 मतलब का यहाँ पे प्लॉट 24 लाख से लेके कोई 29-30 लाख तक मिलेगा आपको। अगर 7 मरले का लेते हैं तो 30 से लेके 36-37 लाख तक मिलेगा, और अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं तो ये तकरीबन 40 से 47 के दरमियान, और अगर एक कनाल का प्लॉट लेते हैं आप तो एक कनाल का प्लॉट आपको तकरीबन 60 से 65, कोई अच्छा बहुत अच्छा प्लॉट हो तो 68 तक जा सकता है। तो यहाँ पर ये प्राइजेज़ हैं, बाकी वही गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होती हैं। ये गवर्नमेंट का पाक फ़ज़ाइया का कह लें कि आप ये एक प्लान है, प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एयर फोर्सेस की तरफ से आपको सिक्योरिटी मिलेगी सारी। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें ये देखें सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। इस वक्त मैं सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जो रोड जा रही है मैं उस रोड पे खड़ा हूँ, उस गेट पे से हम बाहर निकलेंगे। मैं जाती हूँ उमरा रोड की तरफ से आया हूँ और मैंने आपको ये विज़िट करवाया है सारा। तो ये वाला एरिया है, यही वो रोड है जो सीधा राइवन रोड को टच करेगा फ्यूचर में जाके, लेकिन गवर्नमेंट के प्लान हैं वो कब कंप्लीट होते हैं ये तो फिर आप जानते ही हैं किस तरह पाकिस्तान में काम होता है। तो लेकिन ये फ्यूचर का ज़रूर प्लान है, आने वाले 10 सालों में 15 सालों में 5 सालों में ये डेवलप हो सकता है। बाकी मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, यहाँ पे आप अगर घर बनाते हैं तो आपका घर जो है यहाँ के जो मैनेजर लेवल या एम्प्लॉयज़ हैं या जीएम लेवल्स के लोग हैं यहाँ पे अगर घर बनाते हैं तो वो रेंट पे ले सकते हैं। बस ये थोड़ा सा शहर से दूर है,
अड्डा प्लॉट से ये तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर दूर है, और अगर मुल्तान रोड की बात करें तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। फिर आप रायवंड सिटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये एरिया है वो सारा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया के गेट से हम बाहर निकलते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। वो सामने कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं, लेकिन ये फ्यूचर अभी यहाँ पे घर तो है कोई नहीं, तो शॉप्स जो हैं वो अभी जैसे जैसे लोगों को पोजेशन मिलना शुरू हो जाएगा, लोग घर भी बनाएंगे, फिर शॉप्स भी यहाँ पे वो काम करेंगी, फंक्शनल हो जाएंगी। चलें हम चलते हैं सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, वहाँ पे भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये हम सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक और पार्क आ गई है और सी ब्लॉक के पास से हम गुजर रहे हैं। ये मेरा राइट साइड पर जो है वो ए ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे सी ब्लॉक है। ये सी ब्लॉक की पार्क है। पार्क एक दो इसमें बड़ी आई हैं, बाकी कुछ छोटी छोटी सी पार्क हैं, कोई बड़ी पार्क नहीं है। ये राउंड बोट है जो पहले हम गुजर के गए हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम ये देखें गैस का जो छोटा मोटा काम है वो काम शुरू हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, थोड़े से एरियाज में कहीं डिगिंग भी हुई है, आई थिंक गैस का ये पाइप जो है वो डल रहे हैं। तो इस वक्त हम सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया और उसकी तरफ आ गए हैं, गेट की तरफ। बाकी मेंटेनेंस लेवल आपको पता है, अभी ये स्कूल के लिए मखसूस की गई है जगह, अभी मेंटेनेंस लेवल जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे अभी पोजेशन नहीं, अभी पोजेशन मिलना शुरू हुई है। तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे घर बनेंगे तो इसकी डेवलपमेंट भी होती जाएगी साथ साथ, लेकिन इन्होंने अभी जो अपना काम है डेवलपमेंट का वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। आप प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आज फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि कमेंट्स भी पास किया करें। अगर कोई मैं गलती करता हूँ या मैं कोई इस तरह की आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता तो आप प्लीज़ मुझे गाइड किया करें ताकि मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सका करूँ गेट से। तो ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गेट निकलता है। ये मैं शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ से आया था और मैं अब सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया, सिक्योरिटी इनकी अच्छी है, बकायदा इन्होंने पूछ के जो है वो वीडियो भी बनाने दी है और बकायदा आईडी कार्ड वगैरह लेते हैं, अच्छी सिक्योरिटी। अभी घर भी कोई नहीं है। देखें ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया के गेट के बिल्कुल सामने इसका गेट है। तो हम यहाँ से गेट नंबर 1 है सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया का, और यहाँ से हम जो है वो फ़ज़ाइया का हमने विज़िट किया है और फ़ज़ाइया से विज़िट करके हम निकल रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा आगे तक ले कर चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हम किधर से आए हैं और किधर जा रहे हैं। ये इस वक्त हम जाती उमरा रोड की तरफ, मुल्तान रोड की तरफ जा रहे हैं, और ये वो फ़ज़ाइया का सारा एरिया था जो मैंने आपको विज़िट करवाया। इसमें मैंने आपको बताया 5, 7, 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइसेस भी मैंने आपको बताई। तो ये थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरफ से आए थे और किस तरफ जा रहे हैं। ये हम जाती उमरा, आगे एक चौक आएगा जो सीधा मुल्तान रोड की तरफ, सुंदर अड्डे की तरफ चला जाएगा, मुल्तान रोड की तरफ चला जाएगा, और हम वहाँ से टर्न करके शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स अड्डा प्लॉट की तरफ चले जाएंगे, जो कि AWT फ़ज़ाइया फेज़ 1 की तरफ भी जाती है, उस तरफ चले जाएंगे। ये वो जहाँ पर अगर आप कोई आपने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, कोई आपने चीज़ें ख़रीदनी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की खाने पीने की चीज़ें लेनी है, तो ये वो फ़ज़ाइया फेज़ 2 के पास सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, फ़ज़ाइया से निकलते साथ ही अगर आप घर बनाते हैं यहाँ पे, ये पेट्रोल पम्प भी है इसके पास ही, तो आप सारी चीज़ें जो है यहाँ से अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा है, हमें इस वक्त चौक के पास आ गए हैं, तो मैं आपको हम जिस गेट से एंटर हुए थे वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि जो बाहर वाले क्लाइंट होते हैं, जो बाहर रहते हैं, लाहौर में नहीं होते, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हम इस वक्त फ़ज़ाइया फेज़ 2 की लोकेशन क्या बनती है। ये देखें ये चौक है, वो यहाँ से हम
ये वो जाती हुई मेरा रोड आ गया जिधर से हम आए थे। मैं वहाँ से एंटर हो गया था फ़ज़ाइया फ़ेज़ वन के गेट से। ये वो जाती उमरा रोड कहलाता है जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ भी जाता है, अड्डा प्लॉट की तरफ भी जाता है। तो ये मैंने आपको गाइड कर रहा हूँ सारा। तो गेट वन जहाँ पे हमने वीडियो शुरू की थी वहीं पे हम वीडियो ख़त्म करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और मज़ीद किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मेरा नंबर जो है वो ये स्क्रीन पे चल रहा है, इसको आप देखें और व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए हाज़िर हूँ। अगर आपने यहाँ पे प्लॉट सेल करना है या आपने ख़रीदना है तब भी मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, आप मुझे बताइएगा। ये देखें, ये वो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ रोड जो जा रही है, हम उसी फ़ज़ाइया गेट के करीब पहुंच चुके हैं जहां से हम एंटर हुए थे। ये मैं बाहर बाहर से आया हूं, पहले मैंने आपको अंदर से जाके विज़िट करवाया और वहां से फिर मैं आपको सीधा उसी रोड पे ले आया हूं जहां से मैंने वीडियो को शुरू किया था। ये देखें, ये वो आ गया, गेट आ गया। यहां से हम फिर उधर चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कॉल करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।